नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हार तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन आपसे कम दीदी। सच बताऊं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज हम दोनों की शादी हो रही है। सच, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने लकी होंगे। जैसा हमने सोचा था वैसा ही सब कुछ हो रहा है। मुहूर्त का टाइम हो गया है, पंडित जी बुला रहे हैं। विवाह संपन्न हुआ आप लोगों का। अरे बाप रे, 8 बज गए, ये तो लेट हो जाएंगे। पायल, अरे पायल उठो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पायल उठो। अनिल जी सॉरी, आज नाश्ता बनाने में लेट हो गया, कल से ऐसा नहीं होगा। अरे वाह, तुमने नाश्ता भी बना दिया, क्या बात है। अरे उठो देखो। पायल देख रही हो तुम, कुछ सीखो अपनी छोटी बहन से, आते ही घर संभाल लिया इसने। कुसुम मुझे ना बहुत लेट हो रहा है, आज मैं नाश्ता ऑफिस में करूंगा, कल हम साथ में करेंगे, ठीक है? पक्का, बाय। कुसुम तुम ये सब क्यों कर रही हो? शादी से पहले तो तुम ऐसा कुछ नहीं करती थी, अचानक से इतनी केयर क्यों? दीदी
वो बस मेरी आंखें ना जल्दी खुल गई थी, मैंने सोचा नाश्ता बना लूं, और आप इतनी गहरी नींद में सो रही थी ना, मेरा उठाने का मन ही नहीं किया। हाँ लेकिन तुम्हारी वजह से अनिल मुझे ताना मार कर चले गए ना। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे आपको निशा देखना पड़े? दीदी मम्मी पापा के जाने के बाद एक आप ही तो हो जो मेरे लिए मेरा सब कुछ है, मैं बस आप लोगों का ख्याल रखना चाहती थी और कुछ नहीं। और वैसे भी दीदी सबसे ज्यादा हक अनिल जी पर आपका है, और उन्होंने मुझसे शादी तो सिर्फ आपको पाने के लिए की है, तो फिर आप टेंशन क्यों लेते हो? हाँ वैसे ये बात तो तुम्हारी सही है, इतना प्यार करने वाला लड़का नसीब से मिलता है, तभी तो मुझे पाने की खातिर उन्होंने तुमसे शादी करने वाली शर्त भी मान ली। इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत करो और उठो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नाश्ता करो, और ये याद रखना हमने जो कसम खाई थी साथ रहने की कभी नहीं टूटेगी दीदी। पायल मैं जा रहा हूँ। अनिल रुको, ये आपका रुमाल और पर्स। अनिल जी ये लीजिए आपका टिफिन। कुसुम तुम भी अपना ख्याल रखना ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ ठीक है, बाय बाय। दीदी आपने बुलाया? हाँ अच्छा सुनो ना, मैं अपने कपड़े अनिल की कपाट में एडजस्ट कर रही हूँ, एक काम करो ना तुम भी अपना बैग ले जाकर ऊपर एडजस्ट कर लो, एक्चुअली क्या है ना यहाँ बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा इसलिए। क्या हुआ, ले जाओ अपना बैग। ठीक है दीदी। अनिल जी पानी। कुसुम तुम वो दीदी कमरे में आराम कर रही हैं, शायद उनके सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं आप कमरे में जाए उसके पहले। हाँ नहीं अच्छा किया तुमने, वरना मैं खामखा उसे डिस्टर्ब कर देता। अगर आपको फ्रेश होना है तो आप मेरा कमरा यूज कर सकते हैं, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। नहीं मुझे भूख नहीं है, तो शाम में थोड़ा हैवी हो गया था नाश्ता मेरा, तो मैं आराम ही करूँगा अभी। अच्छा हाँ ठीक है। फोन भी नहीं उठा रहे।
कुसुम देखो ना, इतनी देर हो गई है, अनिल अभी तक नहीं आया और ना ही मेरा फोन उठा रहा है। तुम्हें कुछ बताया क्या उन्होंने? दीदी अनिल जी तो कब का आ गए? हाँ वो बहुत थक गए थे इसलिए मेरे कमरे में आराम कर रहे हैं। दीदी अनिल जी सो रहे हैं। सुन अनिल आ गए थे तो तुमने मुझे बताया तक नहीं? दीदी अनिल जी बहुत थक गए थे, वो डायरेक्टली कमरे में आकर सो गए, खाना खाने से भी इनकार कर दिया, इसी चक्कर में मैं भूल गई। अनिल जी के कमरे से मुझे निकाला तो अब अनिल जी का कमरा ही बदल दिया मैंने। दीदी अरे कुसुम आओ ना नाश्ता करो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अच्छा एक काम करो ना, किचन से चाय ले आओ ना प्लीज। कैसे लगे पराठे? बहुत टेस्टी, मजा आ गया। आके बनाए भी तो मैंने। कुसुम जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। तुम्हारी दीदी ने बहुत ही अच्छे आलू के पराठे बनाए, जल्दी आओ। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैंने ना तुम्हारे लिए लंच में तुम्हारी फेवरेट बैंगन की सब्जी बनाई है, याद से खा लेना। क्या बात कर रही हो, दिल खुश कर दिया तुमने। चलो यार मेरा नाश्ता हो गया, अब मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, ठीक है? क्या बात है कुसुम, पराठा क्यों नहीं खा रही हो? अच्छा है ना, पहले तो तुम बड़े चाव से खाती थी, अचानक से क्या हो गया? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, पराठे बहुत अच्छे। तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मैं, तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, तुम्हें कब क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है सब समझ में आता है मुझे। हेलो रमेश, बोल भाई। अरे क्या यार, शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं और अभी ट्रीट भी नहीं दे रहा है। अबे मेरे भाई चक्कर क्या है? अरे कोई चक्कर नहीं मेरे भाई, दूंगा ट्रीट मैं, और ऑफिस में मिलते हैं ना फिर वहाँ बात करेंगे। चल आ जा ऑफिस। बाय बाय। सबको बस भाभी जी से मिलना है, भाभी जी से मिलाओ, भाभी जी से मिलाओ। आपको प्रॉब्लम क्या है, बुला लो ना घर। प्रॉब्लम क्या है ये तुम पूछ रही हो? तुम्हें पता है ना हमारी शादी कैसे हुई है? दो दो बीवियां हैं मेरी, ये बात सिर्फ मुझे और तुम दोनों को पता है। अगर बाहर किसी को पता चल गया ना तो रहना मुश्किल हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर ये सब छोड़ो, तुम आज घर पर जल्दी आ जाओ, ठीक है? रमेश तू अबे अंदर भी नहीं बुलाएगा क्या? हाँ आजा, क्यों नहीं यार, चल। अरे बुला ले यार भाभी जी को, कहाँ छुपा रखा है भाभी जी को? भाभी जी आ रही, आ रही, आ रही भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये आपके लिए।
थैंक यू। अब समझ आया, भाभी जी इतनी खूबसूरत है इसलिए तू नहीं मिल पा रहा था ना। अब तो मिल लिया ना, हाँ चला बैठते हैं। दीदी हाँ कौन आया? कौन है भाभी जी? आपको दीदी बोल रही थी, आपकी बहन ही होगी। हाँ ये पायल की छोटी बहन है, कुसुम नाम है इनका, मेरी साली है। नमस्ते कुसुम जी, आओ बैठे। हाँ हाँ पायल तुम कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हाँ आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। भाई तू जोक बहुत मारता है सच में। अरे जोक छोड़, कुछ गाने चला, एंजॉय करते हैं। हाँ बिल्कुल चला, थोड़ा म्यूजिक चला। मेरे बिना पार्टी? रवि ये मेरा छोटा भाई है रवि, और तू बिना बताए आ गया मुझे। अगर आपको बता देता तो आपके चेहरे पे स्माइल कैसे आती। आपकी शादी में तो आ नहीं पाया एग्जाम की वजह से, एग्जाम जैसे ही खत्म हुए का भाई यहाँ से। अच्छा गया तो भाभी से तो मिलवाइए। हाँ हाँ आजा। ये तेरी भाभी है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये कौन है भैया? ये पायल की छोटी बहन है कुसुम। कुसुम जी नमस्ते। चल अनिल मैं निकलता हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते कुसुम। चले चल। आज तो बाल बाल बच गए पायल, कैसे संभालेंगे ये सब? आप फिक्र क्यों करते हैं? आपने कहा ना कि कुसुम आपकी साली है, और अगर कोई कुछ बोलता है तो हम कह देंगे कि कुसुम अकेली है इसलिए वो हमारे साथ रहती है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप टेंशन मत। चलो मैं तुम्हारा सर दबाती। अरे कुसुम इतनी रात को यहाँ क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? वो पानी पीने आई थी। वैसे मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत अकेलापन फील होता होगा कभी कभी, है ना? वैसे
कुछ भी बात करनी हो या अकेलापन दूर करना हो तो मैं हूं ना। नहीं थैंक यू, मुझे नींद आ रही है। क्या बात है भैया, भाभी के साथ साथ साली भी आपका बहुत ख्याल रख रही है। नहीं ऐसी कोई बात, कुसुम तुम बैठ जाओ, नाश्ता करो, पायल सर्व कर देगी। हाँ कुसुम स्पून दे। वैसे कुसुम तुम्हारे पति कहाँ रहते? पति मतलब? मतलब शादीशुदा हो ना, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर है? हाँ वो एक्चुअली फॉरेन में काम करते हैं, आईटी कंपनी। ओ वैसे तुम वापस कब जा? भैया अभी सेकंड सेमेस्टर की डेट आई नहीं है, आती है तो प्लान करता हूँ, जब तक यहाँ रहकर मजे लेता हूँ। कुसुम जरा झूठ बात करना तुम। अच्छी लगती है ना तुम्हें? नहीं भाभी मैं तो बस ऐसे ही। अरे कोई बात, देखो वो मेरी छोटी बहन है, उसका भला ही चाहती हूँ मैं। उसका पति फॉरेन में रहता है, खुश नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन मेरी बहन आगे से पहल नहीं करेगी, तुम्हें ही कोशिश करनी पड़ेगी उसे मनाने के लिए। भाभी मुझे तो पसंद है, लेकिन क्या भैया मानेंगे? अरे तुम उनकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेरी बहन को इंप्रेस करने में लग जाओ। ऑल द बेस्ट। मुझे अनिल से दूर करना चाहती थी ना, मैं खुद तुझे अनिल की लाइफ से दूर कर दूंगी। मेरी प्यारी बहन, क्या नाराज हो? नाराज नहीं रहूं तो क्या रहूं? बीवी बना कर लाए थे, साली बना कर रखा है। कुसुम तुम तो जानती हो ना हम तीनों की शादी नॉर्मल नहीं। तो मैं ही क्यों? पायल दीदी को साली कह देते। अरे
अब सिचुएशन ही ऐसी थी ना, मैं क्या करता। अनिल जी, मैं जानती हूँ कि आप पायल दीदी से प्यार करते हो और हमारी शादी सिर्फ एक शर्त की वजह से हुई थी, लेकिन सच है कि मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा भी उतना ही हक है। आप अब प्लीज कुछ करिए, मैं ऐसे और नहीं रह सकती। कुसुम, ट्रस्ट मी, मैं सब सही कर दूंगा, बस अब अपना ये मूड मत खराब करो, थोड़ा हंस लो। भैया, इतनी रात को साली के कमरे से निकलकर भाभी के रूम में गए, लगता है दाल में कुछ तो काला है। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, निकला भी क्या भी? तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। हाँ, दिन में तो आया हूँ, कोई रात में चोरी छुपे थोड़ी। वैसे मुझे सब पता है क्या चल रहा है, कल देखा मैंने सब। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि तुम अपनी बहन का घर उजाड़ रही हो और भोली भाली बन के, हाँ, बड़ी मासूम सी बनकर सबको बेवकूफ बना रही हो। तुम्हें लगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना? देखो रवि, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। अब तो निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाओगी फेली? तो मचाओ ना शोर, देर किस बात की है, मैं भी सबको बता दूंगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हुँ? बोलो, बता दूँ? वैसे तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत, इनकी खुशबू, कभी हम पर भी नजरे करम करो, हमें भी ये खुशबू पाने का मौका दो, हम भी बहुत बेकरार हैं। निकलो। पायल, जल्दी टिफिन लाओ। हाँ, बस लाई। सुनिए, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो रवि, उसने, रवि कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही भैया से बाय बोलने आया था। हाँ अच्छा, कुसुम तुम्हें जीजाजी से कुछ बात करनी थी ना, करो। वो कुछ जरूरी बात नहीं है, मैं बाद में कर लूंगी। ठीक, फिर शाम में मिलते हैं हम। हाँ, बाय बाय। देवर जी, क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या करूं भाभी, वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, इतनी कोशिश करता हूं लेकिन बात ही आगे नहीं बढ़ रही है। अरे आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो शादीशुदा है, वो खुद से हाँ नहीं कहेगी, आप ही को पहल करनी पड़ेगी। पर भाभी क्या करूं मैं, कहीं मैं ज्यादा आगे बढ़ गया और मेरी बात का बुरा लग गया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मेरी छोटी बहन है, उसके दिल का हाल मैं जानती हूँ। इनफैक्ट वो तो कहती है कि जब भी आप इस घर में आते हो ना, तो घर में चहल पहल रहती है, उसे आपकी नोकझोंक बहुत ही पसंद है। सच में भाभी? मतलब अगर ऐसी बात है तो वो मुझसे भागती क्यों है? लड़कियाँ होती ही ऐसी हैं, खुद से कभी पहल नहीं करती। आपको अजीब लगेगा कि मैं आपको कदम बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन के दिल का हाल समझती हूँ, उसके खालीपन को समझती हूँ। लेकिन मेरी बहन क्या है ना, थोड़ी सी शर्मीली है,
सच मानिए वो आपको बहुत पसंद करती है, बस देरी है तो आपके कदम बढ़ाने की। सही कह रही भाभी। और नहीं तो क्या। चिल्लाओ मत, भैया भाभी सुन लेंगे। मैं बस तुम्हें यही कहने आया हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति दूर है, अकेलापन फील होता होगा, लेकिन मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करने आया हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो, निकलो अभी के अभी, नहीं तो मैं अनिल जी और दीदी को बुलाऊंगी। अनिल जी, पहले भैया हम तो बस ऐसे ही। दीदी ऐसा नहीं है। दीदी दीदी सुनिए, बोला था ना चिल्लाओ मत, अच्छी खासी रात बीत सकती थी, सब खराब कर दिया। अनिल, कभी कभी इंसान की फितरत कैसी होती है इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कुसुम ऐसे छी। तुम्हें पता है मैंने उसे कई बार रवि के साथ देखा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे ही कुछ गलतफहमी हुई है। अनिल प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है ना। मैं तुम्हें कुसुम से शादी करने के लिए मजबूर करती और ना ही तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ता। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कुसुम गैर मर्दों के साथ ऐसे, छी मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन अनिल अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हें जो फैसला लेना है तुम ले सकते हो। पायल टिफिन दे दो, मैं लेट हो रहा हूं। अनिल जी प्लीज मेरी बात सुनिए, आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं। अनिल जी वो रवि उसने जबरदस्ती। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पायल 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 दीदी पायल दीदी पायल पायल दीदी पायल उठो पायल उठो पायल क्या हो गया तुम्हें भाभी पायल पायल उठो ना पायल उठो पायल पायल उठो पायल पायल उठो उठो पायल पायल उठो पायल यादव इस पूरे घर की अच्छे से छानबीन कर, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज। यस सर। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब कैसे हुआ, कल रात में तो हम साथ में थे, सुबह उठा तो देखा कमरे में नहीं है। मुझे लगा शायद नाश्ता बना रही होगी। मैं तैयार होने लगा, तैयार के बाहर आया तो देखा आप लोगों ने कुछ देखा? सर, पायल दीदी मेरी बड़ी बहन थी, ये सब कैसे हो गया अब मैं नहीं पता।
हमने तो उनकी आवाज भी नहीं सुनी। आप में से कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा जब तक कि मैं ना कहूं। अनिल जी, दीदी के जाने का दुख मुझे भी है, पर अब हमें आगे बढ़ना होगा। सर आप? जी कुसुम जी, आपसे कुछ बात करनी है, अंदर आ सकता हूँ? आइए सर। कुसुम जी, आपकी बहन की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है। उनकी मौत रात को ही हो गई थी, बजाय की सुबह। क्या? जी। वैसे अनिल जी, आप उस दिन क्या कह रहे थे? उस रात को आप अपनी बीवी पायल के साथ कमरे में थे। वैसे आप सच ही कह रहे हैं, क्योंकि उस दिन आपकी कमरे की तलाशी करते हुए हमें कुछ खून के धब्बे मिले थे। एंड ऑफ कोर्स वो खून के धब्बों के सैंपल्स हमने फॉरेंसिक्स भेजे। और ये रही वो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो साफ साफ बता रही है कि वो खून के धब्बे और किसी के नहीं बल्कि आपकी बीवी पायल के थे। अनिल जी, ये सब क्या है? बताइए अनिल जी, आपकी दूसरी बीवी पूछ रही है आपसे। कुसुम आपकी दूसरी बीवी है? जी हाँ, कुसुम और पायल, इन दोनों की शादी आपके बड़े भाई के साथ हुई है। वैसे उस पंडित को भी हमने ढूंढ लिया जिन्होंने इनकी शादी करवाई थी। यादव, तो अनिल जी, आप सारा सच यहीं बताएंगे या फिर थाने ले जाकर सारा सच निकलवाऊं? बोलिए। हाँ, ये सब सच है। कुसुम मेरी पत्नी है। की थी मैंने दो दो शादियां, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, पायल के कहने पे। उसने शर्त रखी थी कि अगर मुझे उससे शादी करनी है तो मुझे कुसुम से भी शादी करनी होगी। और इंस्पेक्टर साहब, मैंने सिर्फ शर्त नहीं मानी बल्कि शादी के बाद दोनों को खुश रखने की कोशिश भी की। बाद में मुझे पता चला कि पायल फिर से मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। सच मानिए कि वो आपको बहुत पसंद करती है, बस देरी है तो आपके कदम बढ़ाने। और कितना गिरोगी पायल? मतलब कुसुम तुम्हारी सगी छोटी बहन, मैंने देखा था तुम्हें कैसे तुम रवि को उकसा रही थी कुसुम के करीब जाने के। यही प्लान था ना तुम्हारा कि मैं रवि और कुसुम को ऐसे देखूं और फिर कुसुम को इस घर से और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूं। हाँ, तंग आ गई थी
थी मैं उससे, कुसुम वैसी, अरे इरिटेशन होती थी मुझे। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, फिर कुसुम हमारे बीच कब से आ गई? अरे तुमने ही मेरी शादी करवाई थी उससे, भूल गई तुम? हाँ करवाई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि हम सब सिर्फ एक छत के नीचे रहेंगे, लेकिन वो तो तुम्हारे बिस्तर तक आ गई। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे, लेकिन नहीं, तुम तो कुसुम के दीवाने हो गए। लेकिन अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए तुम चुपचाप जाकर कुसुम को बोलो कि ये वो घर छोड़कर चली जाए। नहीं बोल पाओगे ना? ठीक है, मैं ही जाकर बोल देती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं जीऊंगा। मैं जाऊंगी और बोलूंगी। पहल को हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, जब उसका मन किया उसने मेरी शादी करा दी, और जब उसको लगा कि अब कुसुम उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गई, उससे गलती हो गई, तो उसने ये गलती सुधारने का खुद से ही जिम्मा उठा ली, खुद से फैसला कर लिया कि अब ये गलती वो खुद सुधारेगी। लेकिन इस बार मुझे उसका ये फैसला मंजूर है। मैं जाऊंगी और आज उसे इस घर से भगाकर रहूंगी। नहीं जाओगी तुम कहीं, मैंने बोला ना तुम्हें। मैं जाऊंगी। मैं पायल को मारना नहीं चाहता था, मैं तो उसे रोक रहा था, और ये हादसा हो गया। मैं बहुत डर गया था, मैंने उसकी बॉडी कमरे से उठाकर किचन में रख दी। मुझे लगा सबको लगेगा कि वो किचन में फिसल के गिर गई, से उसकी मौत हो गई। अब ये हादसा है या नहीं ये तो अदालत ही तय करेगी। यादव लेकर चलो इन्हें।